मैं एक ये टोटल जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज आया है वो 3,500 करोड़ का और 1,000 करोड़ का मनरेगा के शेल्प के रूप में 4,500 करोड़ रूपये का स्पेशल पैकेज। ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज है और सारा खर्चा इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। कोई भी एक पैसा अभी हमारे को केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत नहीं मिला है। जो हमने भेजा जाता है, जो हमने भेजा है, जैसे 10,000 करोड़ रुपए का भेजा, ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें से जो हमारा बजट के अनुसार अधिकार है, जिसमें 1,30,000 जो मैंने बताया, उस रिलीफ मैनुअल के तहत हमें वो मिलना है। कब मिलना है ये तो अभी पता लगेगा कि जो एडवांस दे दिया तो उसमें से वो कट मारेंगे, लेकिन हिमाचल के आम परिवार तक पहुंचने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है, गरीब आदमी को आपदा में राहत पहुंचाने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है, जिसका घर उजड़ गया, जिसके पशु बह गए, जिसकी फसल नष्ट हो गई, ये तो वो परिवार जानता है कि जिस सपनों से उसने अपना घर बनाया होता है जब वो उजड़ जाता है तो उसकी मन की पीड़ा को तो वो ही जानता है, लेकिन हमारी सरकार ने इस पीड़ा में जो हमारे संसाधन है उसमें मरहम लगाने की कोशिश की है। 13,000 घरों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है। अगर उसकी एक दीवार गिरी, डेढ़ दीवार गिरी तो उसको 1,00,000 रुपया मिलेगा। ये जो आंकड़े हैं ये हमारे पास 30 सितंबर तक आए, तकरीबन 16,000 घर और परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। और आर्थिकी की बात करें, नुकसान की बात करें, तो पिछले 2 महीने से हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो ठप पड़ा है, टूरिज्म इंडस्ट्री ठप पड़ी है। वैट के रूप में जो हमें एक्साइज ड्यूटी आनी थी शराब पर, वो भी अभी ठप पड़ी है। तो आर्थिक तंगी के बावजूद भी मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी महोदय, हमारे डिजास्टर के सभी अधिकारी ओंकार जी, सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने अपने संसाधनों से जो हिमाचल के लोगों की हम सेवा कर सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, ये पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया हमने शुरू की है, परिवारों से शुरू होकर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम मजबूत करने के लिए भी हम कल 1,051 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं, अपने संसाधनों से कर रहे हैं। तो इस 3,500 करोड़ रुपए में कई लोग हम पर संसाधनों के बारे में पूछेंगे, तो हमने सब प्रकार के बजट से कहीं ना कहीं से निकाला है।